अभी हम आए हैं सीएनजी स्टेशन पर सीएनजी फिल करवाने, क्योंकि हमारी गाड़ी का पूरा सीएनजी ख़त्म हो चुका है। 3.5 किलोमीटर से हम गाड़ी पेट्रोल पर चलाकर यहां तक आए हैं। यहां पर आप येलो अलर्ट देख रहे हो, ये सीएनजी का येलो अलर्ट तब स्टेबल होता है जब हमारी गाड़ी का पूरा सीएनजी ख़त्म हो जाता है। अगर ये ब्लिंक करता रहता है तो उसका मतलब हमारी गाड़ी में थोड़ा सीएनजी और भी बचा है। सीएनजी फिल करते मुझे वीडियो शूट करना था, इसलिए मैंने कैमरा निकाल कर वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पर एक किस्सा हो गया, वो क्या हुआ किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे। सीएनजी फिल करना स्टार्ट हो चुका है। सीएनजी फिल होने तक हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम औरा सीएनजी का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी कई सारे माइलेज टेस्ट मैंने किए हैं, बट अभी जो है इस गाड़ी को यूज़ करते मुझे 1.5 साल हो चुका है, और इसलिए हम फिर से इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो माइलेज टेस्ट है ये गांव के रास्ते पर होने वाला है, यानी कि ग्रामीण रास्ते पर। और ग्रामीण रास्ते आपको पता है कि कुछ किलोमीटर अच्छा होता है और उसके बाद कुछ किलोमीटर ख़राब, और उसके बाद कुछ किलोमीटर बहुत ही ख़राब। तो इस प्रकार के रास्ते पर माइलेज टेस्ट हम करने वाले हैं। सीएनजी फिलिंग प्रेशर कितना है वो देखिए, तो यहाँ पर 210 का प्रेशर शो हो रहा है और सीएनजी अभी पूरा फिल होने को आया है, तो 9.30 हो चुका है। और ये देखिए 9.31 केजी सीएनजी इस वक्त हमारे गाड़ी के सीएनजी टैंक में आया है। ट्रिप ए और ट्रिप बी हम जीरो कर लेते हैं, तो ये देखिए ट्रिप ए हमने जीरो कर दिया, और अब ये बी ट्रिप भी देखिए, इसे भी हम जीरो कर देते हैं। ये देखिए ए और बी ट्रिप हमने जीरो कर दिया है और हम सेट कर लेते हैं ए पर। उसी के साथ नीचे यहाँ पर टोटल किलोमीटर भी देख लीजिए, 24,496 किलोमीटर हो चुके हैं। और आज की डेट भी देख लीजिए, ये देखिए 13 दिसंबर 2022। साथ में आप पेट्रोल का जो बार होता है वो भी देख लीजिए, यहाँ पर 3 बार अभी पेट्रोल के है, और लास्ट में कितने बार रहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पहले दिन की शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर आप किलोमीटर फिर से एक बार देख लीजिए, 24,496 किलोमीटर अभी हो चुके हैं। यहाँ पर मैं एसी भी ऑन कर लेता हूँ। एसी हम फुल यूज़ नहीं करने वाले, बट जहाँ तक सिटी एरिया है वहाँ तक हम एसी यूज़ करने वाले हैं, यानी कि लगभग 1 डे में हम 10 किलोमीटर हमारा एसी ऑन रखने वाले हैं, क्योंकि मेरा जो डेली रन है ये 60 किलोमीटर है, जाते वक्त 5 किलोमीटर और आते वक्त 5 किलोमीटर, इस तरह से 10 किलोमीटर डेली एसी यूज होने वाला है। अभी लगभग घर से हम 5.5 किलोमीटर आ चुके हैं, यानी कि सिटी के बाहर निकल चुके हैं, और अभी हम यहाँ पर एसी हमारा ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए 5.5 किलोमीटर हो चुके हैं और ये एसी हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया। इस तरह से आते जाते 5-5 किलोमीटर, यानी कि डेली 10 किलोमीटर एसी ऑन रहने वाला है। 10 किलोमीटर तो हमारे सिटी में गाड़ी चलने वाली है। अब सिटी में किस तरह से गाड़ी चलती है ये आपको भी पता है, और बाकी जो रास्ता है यानी कि अगर 20 किलोमीटर की हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 70-80 के स्पीड पर गाड़ी चल जाती है। बाकी बचा 30 किलोमीटर, इस 30 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर तक गाड़ी 40-50 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, और लास्ट का जो 10 किलोमीटर है इसमें 20-30 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलती है। इस तरह से टोटल 60 किलोमीटर रन हमारा होता है 10 किलोमीटर सिटी में, 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ख़राब, उसके बाद 20 किलोमीटर थोड़ा सा अच्छा रास्ता, और 20 किलोमीटर बहुत अच्छा रास्ता, टोटल 60 किलोमीटर। और मैं एक बात सच्चे दिल से बताऊँ दोस्तों, ये जो माइलेज टेस्ट मैं कर रहा हूँ ये पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर फिर भी आप शक करते हो तो उस पर मेरा कुछ भी जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पहले हमने जो टेस्ट किए थे उस पर कहीं ने सवाल उठाए थे, तो उसके बाद फिर से मैंने टेस्ट किया था तो लगभग उतना ही माइलेज मुझे मिला था। अब इस माइलेज टेस्ट में देखेंगे हम कितना हमें माइलेज मिलता है, लेकिन ये जो माइलेज है ये पूरी ईमानदारी से हम करने वाले हैं। इस माइलेज टेस्ट में गाड़ी में 5 पैसेंजर रहने वाले हैं, किसी दिन अगर कोई नहीं आता है तो उस दिन 4 रहेंगे, बट ओवरऑल
5 पैसेंजर रहेंगे। पहले दिन गाड़ी चली है 62.5 किलोमीटर। ये जो गाड़ी चली है ये कल चली है और ये मैं अगले दिन सुबह शूट कर रहा हूँ। आज की तारीख भी मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए 15 तारीख है आज की और गाड़ी चली है 14 तारीख को। दूसरे दिन तक गाड़ी चली है 124.6 किलोमीटर। तीसरे दिन तक गाड़ी चली है 134.2 किलोमीटर। कल हम लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं इसलिए मुझे फिर से सीएनजी फिल करवाना पड़ा, तो इस वक्त सीएनजी आई है 7.14 केजी। चौथे दिन तक गाड़ी चली है 199.6 यानी लगभग 200 किलोमीटर गाड़ी अब तक चल चुकी है। पांचवे दिन तक गाड़ी चली है 264.6 किलोमीटर। ये लास्ट डे है और अब तक गाड़ी चल चुकी है 411 किलोमीटर और सीएनजी की स्टेप अभी 3 है और यहाँ से मुझे 30 किलोमीटर जाना है। देखते हैं इस 3 स्टेप में 30 किलोमीटर गाड़ी जाती है या फिर नहीं। 411 पर 3 स्टेप सीएनजी बची थी और अब लास्ट स्टेप है तो अब तक गाड़ी चल चुकी है 434 किलोमीटर। तो अब देखते हैं और कितनी गाड़ी चलती है। अभी हम आ चुके हैं जो मुंबई गोवा हाईवे पर जो वाशिष्ठी नदी है उस पर जो ब्रिज है वहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ से सीएनजी स्टेशन लगभग 1.5 किलोमीटर है अभी। तो अब तक जो किलोमीटर हो चुके हैं 440 किलोमीटर हो चुके हैं। देखते हैं और कितने किलोमीटर ये गाड़ी चलती है। अभी ये सीएनजी की लास्ट स्टेप है, कभी भी ख़त्म हो सकती है इसलिए यहाँ पर हम कंटिन्यू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब तक 440.2 किलोमीटर हो चुके हैं और देखते हैं अब कितने किलोमीटर चलती है। यहाँ से आप देखते रहिए, यानी यहाँ पर अगर हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो आपके मन में शंका पैदा हो सकती है इसलिए हम कंटिन्यू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों 440.3 किलोमीटर पर सीएनजी से पेट्रोल पर गाड़ी आ चुकी है। आपने यहाँ पर देखा है, मैंने ये लाइव मतलब रिकॉर्डिंग आपको दिखाया है तो इसमें कोई भी मैंने छेड़खानी नहीं की है, बिल्कुल सच्चे मन से मैंने ये रिकॉर्डिंग की है और सच्चे दिल से ये माइलेज टेस्ट किया है। और अब हम पूरा कैलकुलेट करके देखते हैं मतलब हमें कितना माइलेज आवरा सीएनजी का मिलता है। अभी हम आ चुके हैं सीएनजी स्टेशन पर, वही सीएनजी जहाँ पर हमने पहले सीएनजी फिल करवाया था। अब यहाँ पर सीएनजी फिल करवाने के लिए हम लगा देते हैं और सीएनजी फिल होने तक आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि आवरा सीएनजी ने हमने डेली टू यूज़ में गांव के रास्ते पर कितना माइलेज दिया है। सीएनजी कितनी भरवाई है उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि हमने दो बार सीएनजी फिल करवाई है। तो पहले भरवाई थी हमने 9.31 और दूसरी बार प्लस 7.14, तो ये देखिए 16.45 केजी टोटल सीएनजी हमने फिल करवाई थी। और अब देखते हैं हमने हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। टोटल किलोमीटर निकालने के लिए इसे हम क्लियर कर देते हैं तो ये देखिए। और जब हमने मतलब हमारा माइलेज टेस्ट पूरा हुआ था तब टोटल किलोमीटर जो है 24,936 किलोमीटर माइनस, जब हमने सीएनजी माइलेज टेस्ट स्टार्ट किया था तब टोटल किलोमीटर थे 24,496। तो ये देखिए टोटल किलोमीटर जो आप जो है किलोमीटर निकल के आए हैं 440 और हमारे जो मीटर में शो हो रहे हैं 440.3, तो इतना मतलब पॉइंट का डिफरेंट आया है सिर्फ। तो ये मतलब ये जो कैलकुलेट है ये दोनों मैच होता है। और अब हम देखते हैं आवरा सीएनजी ने कितना माइलेज दिया। 440.3 डिवाइडेड बाय 16.45 आप कर लीजिए, आपको माइलेज मिल जाएगा। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। अब हम देखते हैं आवरा सीएनजी का एक्चुअल हमें कितना माइलेज मिला है। तो कैलकुलेट ओपन कर लेते हैं। हमारी गाड़ी टोटल चली थी 440.3 और इससे हम भाग देंगे, हमारी टोटल जो सीएनजी आई थी वो आई थी 16.45 केजी। तो ये देखिए दोस्तों 26.76 यानी लगभग 27 किलोमीटर पर केजी सीएनजी पर आवरा सीएनजी ने हमें माइलेज दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा माइलेज है क्योंकि अभी ये जो माइलेज टेस्ट है ये ग्रामीण रोड पर किया गया है, ये कोई हाईवे पर हमने नहीं किया है।
हाईवे पर हम अलग से माइलेज टेस्ट करेंगे, लेकिन ये जो माइलेज टेस्ट है ये डेली टू यूज का माइलेज टेस्ट है। और इसमें मैंने पैसेंजर भी आपको बताया, रास्ता किस प्रकार का था वो भी मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार के रास्ते पर 5 पैसेंजर लेकर आवरा सीएनजी ने 27 का माइलेज देकर बहुत ही बढ़िया काम किया है। 27 माइलेज बहुत ही अच्छा माइलेज है दोस्तों। आप मुझे कमेंट्स करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। और अब देखते हैं इस वक्त सीएनजी टैंक में कितनी सीएनजी आती है। 190 का प्रेशर है और अब तक सीएनजी फिल हुई है 8.14। तो ये देखिए 8.16 केजी सीएनजी इस वक्त आई है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।